तो देखो भाई, कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज सबने देखे रखी है, पेरेंट्स हो, बच्चे हो, जो लोग कोटा नहीं भी कभी आए ना उन्होंने भी देखे रखी है। तो उसमें जो जो चीज़ें बहुत मेन फैक्टर में दिखाई जाती है ना, हमारा खाना, प्यार, पढ़ाई लिखाई, वो तो सारी चीज़ें मेन है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाते हैं ना वो है चाय लेना, कि दो चार दोस्त बैठ के चाय पी रहे होते हैं, आराम से बातें कर रहे होते हैं। तो आज हम भी आए हैं चाय वाली दुकान में, मतलब जहाँ पे चाय, कचौरी और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें मिलती है। कोटा हो गए ना, तो कोटा में सबसे इंपॉर्टेंट स्नैक क्या है जो आपको सुबह सुबह नाश्ते में मिल सकता है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ना चाय मिलती है भाई, बहुत टेस्टी, जैसी भी आपको चाय चाहिए ना वैसी चाय मिल जाएगी। उसके बाद में कचौरी, कचौरी है, पोहा है, तो ये सारी चीज़ें मिलती है। तो हम उसी की सबसे फेमस दुकान पे आए हैं, रतन स्वीट्स कचौरी जो भी बोल ले। तो ये है नयापुरा में, तो आइए बात करते हैं यहाँ की कचौरियों की और स्नैक्स की। भाई मैं फर्स्ट टाइम ही खा रही हूँ, ट्राई करके बता रही हूँ, अगर मैं सही से नहीं बोल पा रही हूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम में वीडियो बना रही हूँ फूड के रिलेटेड और पब्लिक में बना रही हूँ। तो आओ चलते, आओ देखते हैं कैसी कचौरियाँ रहती है और भैया से बात भी करते हैं। तो अंकल, हम लोग लैंडमार्क सिटी से आए हैं और मैं फर्स्ट टाइम आपकी दुकान को विजिट कर रही हूँ। कितने साल पुरानी है दुकान, आप बता सकते हो? 8 में लगी थी ये, कम से कम नहीं तो 60 साल हो गए। 60 साल पुरानी दुकान है गाइज, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बच्चे ही कचौरी खाते हैं, मतलब जो यहाँ पे जो हमारे लोकल्स लोग हैं ना वो भी सारे यहीं पे आते हैं अपना नाश्ता एंजॉय करने के लिए। तो आओ देखते हैं अंकल के पास क्या क्या है। देखो सबसे पहले तो ढोकला, ढोकला भी मेरा फेवरेट, उसके बाद में जो नमकीन है, स्वीट्स है, हलवा, हलवा रखते हैं ना आप लोग, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जो आप लोग स्नैक में खा सकते हो, सुबह सुबह के नाश्ते में खा सकते हो। कचौरी है, समोसा है, प्याज की कचौरी है। तो प्याज कचौरी भी मेरी बहुत फेवरेट है। तो रेट अंकल कैसे रहते हैं, मतलब 10 रुपए की तो दाल की कचौरी है, प्याज की 25 रुपए की है। तो 10 रुपए की मतलब सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे अगर यहाँ पे कुछ मिलता है तो वो है कचौरी, जिससे कि हमारा हल्का फुल्का पेट भी भर जाता है और ऐसा नाश्ता, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम लोग इनकी कचौरी तो ट्राई करेंगे ही करेंगे, प्याज कचौरी भी ट्राई करेंगे। तो भैया हमें सर्व कर रहे हैं कचौरी, भैया बढ़िया प्याज वाली पहले एक दो, और दाल की खाओ आप कचौरी। दाल की भैया एक ऐसी बना दो, एक दाल वाली भी बना दो, ये वाली भी बना दो। भैया ने हमें ना ऊपर से सजेशन दिया है कि दाल वाली कचौरी बहुत फेमस है, तो हम लोग आज खाएंगे दाल वाली कचौरी। वाओ, चटनी भैया किस चीज़ की चटनी है? पुदीना। पुदीना, ओके। और ये किस चीज़ की है? मीठी। मीठी चटनी है। और मैं ना नयापुरा में शूट कर रही हूँ, अगर लैंडमार्क सिटी में भी खानी है, वहाँ भी बहुत सारी दुकानें हैं, मेरे को थोड़ा सा हेजिटेट होता था, इस वजह से मैं नई, मतलब नई जगह पे आई हूँ ये ट्राई करने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। तो आओ खाते इसको, ट्राई करते देखते कैसी है। और भैया भी दाल वाली कचौरी भी दे रहे, तब तक हम लोग ये वाली खाते हैं, ठीक है? इसमें इन्होंने ना ढेर सारी ग्रीन चटनी डाल के दी है मेरे को, और ये देखो इनकी दाल की कचौरी। मैंने इसमें रेड चटनी नहीं डलवाई, इस वजह से बहुत ज़्यादा मेरे को ना खट्टी लग रही है, उसमें रेड चटनी भी थोड़ी सी डलवा लेते हैं। ठीक है, थैंक यू, आप डलवा लिए। अब ना प्रॉपर खट्टा मीठा टेस्ट दोनों ही आएगा। बहुत औसम है यार, हाँ, तसले भर भर के कचौरियाँ आ रही हैं यहाँ पे। तो ये सारे कंटेनर्स में इनको रखा जाता है, और इनको भैया ये कंटेनर्स खत्म होने में कितना टाइम लगता है इसमें? 10-15 मिनट में ये सारे कंटेनर्स ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा रिफिल करे जाते हैं। और इसका मेकिंग प्रोसेस कितना फास्ट है वो मैं अभी आगे दिखाऊंगी, पहले मैं खा लेती हूँ ये। तो भैया इसमें क्या ना दो दे दो गुलाब जामुन, हाँ ये वाले काले वाले। ना सिर्फ नाश्ता या कचौरियाँ ही नहीं मिलती, यहाँ पे ना मिठाइयाँ भी बहुत सारी है, तो मैं ले रही हूँ उसमें से दो गुलाब जामुन, क्योंकि मेरा ना बहुत तेज खाने का मन है। तो आओ चलो पहले गुलाब जामुन खाते हैं, फिर एक समोसा और लास्ट में खाएंगे, बस एक समोसा खाएंगे, आ जाओ। तो ये रहा हमारा गुलाब जामुन, आओ इसे खाते हैं। दो मैंने इसलिए लिए क्योंकि मेरा एक से पेट नहीं भरता। एकदम गरम गरम है, और इतना सही मीठा है ना, ना ज़्यादा मीठा है ना कम मीठा है, एकदम परफेक्टली मैच है। आओ खाते हैं यार। तो देखो सबसे लास्ट में जो हमारी एज अ डेजर्ट मैंने लिया है ना वो है ढोकला, क्योंकि ढोकला ना मेरे को ना ऐसा रिफ्रेशिंग सी फीलिंग देता है, और तो ऑल ओवर मेरा फेवरेट है ढोकला यार। तो चलो आओ इसे खाते, वो भी इतनी फेमस दुकान से लिया है, पर अंकल को ना मैं थैंक्स बोल के जाऊंगी क्योंकि मेरे को इतना अच्छा खाना खिला दिया आपने, वैसे भी मैं खाने की भूखी रहती हूँ। इसके जो छेद है ना
उससे समझ में आ रहा होगा कि यार इसके अंदर कितना ज़्यादा जो मीठा वाला जूस होता है ना वो भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा जूसी है। पूरा ख़त्म करके ना उसके बाद में चलो जो मेकिंग प्रोसेस है ना उसकी तरफ जाते, कैसे बनता है सब सबसे। हाँ तो अब जो चीज़ है ना वो इसका मेकिंग प्रोसेस, ये बनता कैसे है, तो आओ मैं दिखाती हूँ कि यहाँ की गर्मा गर्म कचौरियाँ जो सब लोग खाने के लिए बेताब रहता है वो बनती कैसे है। ये देखो भंडार कचौरियों का, यहाँ पे कचौरियाँ तली जा रही है, चार पांच भैया लोग मिलके कचौरियाँ बना रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये सुबह मतलब कितने बजे से आप लोग ये कचौरियाँ बनाना स्टार्ट करते हो? 5:30 बजे से। मॉर्निंग में भैया 5:30 बजे से बैठते हैं और पूछते हैं कि कब तक यहाँ पे कचौरियाँ बनाते हैं। भैया रात में कब तक बनाते हैं? 8 बजे तक भैया यहाँ पे कचौरियों का जो मेकिंग प्रोसेस है ना वो चालू रखते हैं। और देखो भाई कैसे तेल में गर्मा गर्म कचौरियाँ बह रही हैं और तेल भी नीचे गिर रहा है देखो। तो देखो भाई बहुत प्यार से सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं, भैया लोग भी यहाँ पे, और देखो कितने 5-6-7 लोग मिल के सब लोग बैठ के कचौरियाँ बना रहे हैं। तो भाई आना अगर एक बार आप लोगों को खाना हो कचौरी ना तो बस स्टैंड में रतन स्वीट्स नमकीन है, वहाँ पे आप लोग आ जाना नयापुरा में, और यहाँ पे भाई ढेर सारी कचौरियाँ, जितना मन हो उतना खाओ, और हमें तो छूट भी मिल गई थोड़ी बहुत। थैंक यू सो मच, होल्ड किया, थैंक यू सो मच। ठीक है, नमस्ते अंकल, बहुत स्वीट है अंकल यार, बहुत हेल्प कर दी इन्होंने। हाँ ये हमारे भैया बाउंसर जी, इनको भी थैंक यू बोले, इन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कराया, थैंक यू। अगर आपको मेरा जो ये मोटिवेशन है ना, कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है भाई, मैं तो बहुत शर्माती थी, मेरे को हेजिटेट होता था, बट फाइनली सब लोगों के सपोर्ट से मैं बना पा रही हूँ वीडियो। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, कॉमेंट भी करना, कुछ भी कॉमेंट करना बहुत कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।